या उठा के गाड़ी में फेंका और उनके सारे मोबाइल उनके खुद के परिजनों के छीन लिए। मोबाइलों को पहले बताया गया था कि जयपुर के महिला थाने में, गांधीनगर में, लेकिन वहाँ भी नहीं है महिलाएं। वो मीरांगनाएं कहाँ हैं कोई पता नहीं। एक दर्जन के करीबन कार्यकर्ता हमारे यहाँ सेज थाने में हिरासत में हैं। मैं उनसे मिल लिया हूँ, दो एक के चोटे हैं। इसका मतलब पुलिस ने मारपीट की है, भारी बल था। आपकी जानकारी में है कि हमारी संस्कृति में है कि जब कोई बात नहीं सुनी जाए तो मुंह में दूब लेकर हाथ जोड़ के सामने वाले को, राजा को याचना करो, प्रार्थना करो, तो उसके दया आती है। दया का भाव नहीं आकर गहलोत साहब के, उल्टा उन्होंने बर्बरता की है उनकी पुलिस ने। फिर वीरांगनाओं को चौथी बार अपमान किया है। ये देश की वीरांगनाओं को ऐसे अपमान करने वाले मुख्यमंत्री को नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए। उस सीट पर रहने का और कोई अधिकार नहीं है उनको। तो एक्सक्लूसिव बातचीत आपको सुना रहे हैं और इन बातचीत में आप सुन भी रहे हैं कि सांसद रोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि सत्याग्रह इसी तरह जारी रहेगा। दुर्व्यवहार किया गया है वीरांगनाओं के साथ। किरोड़ीलाल मीणा ने आरोप लगाया है कि पुलिस की कार्यवाही के दौरान कार्यकर्ताओं की पसलियों में चोट भी आई है। तो दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में जहां सांसद किरोड़ीलाल मीणा के साथ पुलवामा की राजस्थान के शहीद के मुख्यमंत्री बिना बात बेवजह आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनको बरगला रही है। ये देश की वीरांगनाएं, हर पार्टी का हर व्यक्ति इनके साथ रहता है, बरगला नहीं रहे। केवल मात्र मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह के अपना दुखड़ा रोना चाहती हैं। और वो दुखड़ा जब अंत्येष्टि के समय ये गाँव में गए थे तो